नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके पास एयरटेल डिजिटल टीवी का एचडी सेटअप बॉक्स है और उसमें आपके इसमें सॉफ्टवेयर यदि अपडेट नहीं हो रहा है, और उसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करना है, कैसे आप उसको मैन्युअली तरीके से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी एयरटेल का एचडी सेटअप बॉक्स या फिर आपके पास नॉर्मल सेटअप बॉक्स है, तो उसमें कैसे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, उसकी जानकारी मैं आपको पूरी इस वीडियो पे दूंगा। तो वीडियो पे बने रहें और देखते जाएं कि कैसे आप उसको ऑटोमेटिक या नहीं हो रहा है तो आप उसको मैन्युअली कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको रिमोट लेना है और अपने एयरटेल डिजिटल टीवी को ऑन कर लेना है और चेक कर लेना कि आपका रिमोट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर जब प्रॉपर तरीके से आपका यदि बॉक्स काम कर रहा है, रिमोट काम कर रहा है, तो आपको मेन पावर से पहले आपको एयरटेल को ऑफ करना है। ऑफ़ करने के बाद आपको एक बार एग्जिट प्रेस करना है बटन को। फिर इसके बाद दो दबाना है, चार दबाना है, छः दबाना है, पाँच दबाना है। जब आपका बॉक्स बंद होकर चालू होता है, यहाँ पर आपको रेड, जब आप चालू होता है तो रेड कलर की बटन जलती है, और रेड कलर की बटन जलने के बाद तुरंत ग्रीन होती है। तो उसी के बाद तुरंत आपको दो एग्जिट दबाना है एक बार, फिर इसके बाद दो दबाना है, चार दबाना है, छः दबाना है और पाँच प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बॉक्स को बंद कर देता हूँ। तो बॉक्स को मैं यहाँ से बंद करूँगा एडाप्टर के थ्रू से। तो यहाँ पर से मैंने इसको बंद कर दिया है और रिमोट से मैं तुरंत एग्जैक्ट दो चार पाँच छः प्रेस कर दूँगा। तो जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे इसमें क्या आ चुका है। और इसमें आने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कुछ नंबर डला हुआ है और कुछ इसमें, तो इसको आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट होगा वो सॉफ्टवेयर आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा और 5 से 10 मिनट में आपका जो सॉफ्टवेयर होगा पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद आपका जो बॉक्स होगा बंद होकर चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने एयरटेल डिजिटल टीवी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चैनल्स में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि आपको कैसे कोई भी समस्या होती है या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप उसको सुधार सकते हैं। कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपकी इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है मैनुअली तो आप उसको कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं 70% हो गया है और 70% के बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये आपका 70% के करीब होगा। और 70% होने के बाद आपका जो बॉक्स होगा वो आपका तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और आपका बॉक्स जो होगा तो पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें न्यू सॉफ्टवेयर बींग टू डाउनलोडेड, डू नॉट स्विच ऑफ। यहाँ पर आपको ध्यान में इस बात को रखना है कि आपका जो सेटअप बॉक्स है तो पावर कट ऑफ नहीं होना चाहिए। यदि आपका पावर कट ऑफ होता है तो आपका जो सेटअप बॉक्स है तो वो ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपका जो लाइट है वो कट नहीं होनी चाहिए, फिर लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए। यदि आपका बॉक्स बंद हो जाता है तो आपका बॉक्स पूरी तरह से डेड हो सकता है या फिर आपको पूरा ख़राब हो सकता है। तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखना है कि आपको कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होना है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, ये अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। वीडियो को अपडेट हो जाता है सॉफ्टवेयर जब लास्ट बचता है, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे कब से करीब 4 से 5 मिनट लगा, और इसका सॉफ्टवेयर देख सकते हैं 97 करीब हो चुका है। और इसको कंप्लीट होने के बाद आपका जो बॉक्स होगा एक बार बंद होगा, और बंद होने के बाद आपका चालू होगा। तो देख सकते हैं बॉक्स पूरी तरह से ऑफ हो गया है। ऑफ होने के बाद आपका इंस्टॉलेशन होने लगा है। तो आप देख सकते हैं प्लीज़ वेट, इंस्टॉलेशन ऑफ होने के बाद आपका बॉक्स जो होगा वो पूरी तरह से आपका चालू हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 10 से 15 सेकंड का, जिसके कारण से आपका जो बॉक्स होगा वो चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा सॉफ्टवेयर था तो वो पूरी तरह से अपडेट हो चुका है, और अपडेट होने के बाद मेरा जो प्रॉब्लम थी, जो भी दिक्कत थी, वो पूरी तरह से सही हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने एयरटेल डिजिटल टीवी का, यदि आपके पास एचडी सेटअप बॉक्स है, तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसको सही कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो रही थी उसको आप बना सकते हैं। तो इस तरह से अपने एयरटेल टीवी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो पर कुछ नए के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।